दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत करता हूं आप सभी का आज की क्लास में। बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, बड़ा अच्छा अनाउंसमेंट है और आपका जो प्यार मिला उसके लिए एक आभार भी है। सबसे पहले मुझे सारे जोशीले ओजानकिन बताएं कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है, जोश आपका जबरदस्त है या नहीं है। स्वागत करता हूं आज की क्लास में आप सभी का। वेलकम टू द क्लास। सो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास का, और बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। और कहते हैं कि क्लास की शुरुआत मैं करता हूं कि मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, मन से हारा हुआ इंसान कभी जीत नहीं सकता। मतलब क्या है इसका? मतलब है कि अगर जिंदगी में हम लड़ाई करने जा रहे हैं, मतलब है कि अगर हमारे सामने मुश्किलें आ रही हैं और हमें हार का सामना करना पड़ा, तो ये कोई घबराने का विषय नहीं है, ये कोई डर जाने का विषय नहीं है। बात यह है कि तुमने हार गए या तुमने हार मान ली। अगर हार गए कोई बात नहीं है, फिर से एक मौका मिलेगा, फिर से एक चांस मिलेगा। अगर तुम्हारे अंदर लड़ने की चीज है तो फिर से तुम लड़ोगे, हारोगे, टूटोगे, जुड़ोगे, उठोगे, लड़ोगे और जीतोगे। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि जिंदगी में हार मान मत लेना, हार मान मत लेना। यानी हार जाना बुरा नहीं है, हार मान लेना बुरा है। क्योंकि इंसान परिस्थितियों से नहीं, अपने मन से हार मान लेता है। हार मान लेता है कि जिंदगी में मैं कुछ कर नहीं सकता, हार मान लेता है कि यही मेरी नियति है, हार मान लेता है कि शायद अब मुझे कुछ नहीं मिल सकता। बस इंसान की हार उसी समय तय हो जाती है, उसी समय तय हो जाती है। और जब इंसान अपने मन से यह कह देता है कि नहीं, तुझे कभी नहीं हारना है, इंसान अपने मन को यह बता देता है कि कुछ भी हो जाए, संसार की कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, मैं ये स्थिति स्वीकार नहीं करूंगा, तो यकीन मानो मन के अंदर एक चिंगारी पैदा होती है कि लड़ना है और आगे बढ़ना है। और यही सबसे बड़ी हमारी ताकत है, यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। और कई लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं किसी रास्ते पर चला हूं, मैं किसी युद्ध में उतरा हूं और अगर हार आ गई, तो उसको वो अपनी ईगो का पार्ट बना लेते हैं, उसको अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लेते हैं, उसको अपने अभिमान से जोड़ लेते हैं कि हार गया, हाय अब दुनिया मुझे क्या कहेगी, मेरा तो सब कुछ नष्ट हो गया। वो अपने आप को शर्म से देखने लगते हैं, अपने पर्सनालिटी पर क्वेश्चन करने लगते हैं। बस इंसान की हार वहीं हो जाती है, क्योंकि जिस युद्ध में तुम गए हो उसमें तुम्हें जीत भी मिल सकती है, हार भी मिल सकती है। बड़ा छोटा सा काम है, बड़ा छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है। जिस युद्ध में तुम गए उसमें तुम्हें जीत भी मिल सकती है, हार भी मिल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। आज हारा हूं, खुद को देखा कि क्यों हारा, कोशिश की, फिर कोशिश की, जीत जाऊंगा, वक्त मेरा होगा, हालात मेरे होंगे, रणनीति मेरी होगी, जीत जाऊंगा। लेकिन मैंने अपना तलवार छोड़ दिया, मैंने कहा छोड़ो यार, जो भी है देखा जाएगा, अब क्या हो सकता है, इस जन्म में मेरे हिस्से में नहीं था, कुछ पिछले जन्म के पाप होंगे, अरे यार ठीक है देखा जाएगा, अरे भैया सबके किस्मत में थोड़े ना होता, बड़ा लोगों ने सुना होगा तुमने, अरे भैया हम कहां इतने किस्मत वाले हैं, ये सिम्टम्स है, अरे भैया देखा जाएगा, अरे भैया हमारे बस का नहीं है, अरे भाई हम इतने लकी कहां। सुना है कि नहीं सुना है? तुमने अपने आसपास से 50 लोगों से सुना होगा, हाँ या ना, मुझे सबके कमेंट चाहिए। कितने लोगों ने सुना है? अरे भैया हमारी किस्मत में कहां, अरे भैया हमारे बस में कहां है। राइट और रॉन्ग, अपने आसपास तुमने सुना होगा। जानते हो ये क्या है? ये मन जब हार मान लेता है तो इस तरह के वाक्य गढ़ता है। अरे भैया मेरी किस्मत में कहां, अरे भैया हमारी लाइफ में कहां। तो इसको बोलते हैं मन से हार मान लेना। एक बार आपने मन से हार मान लिया, आप किसी भी परिस्थिति को बदल ही नहीं सकते, बदल ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी शक्ति ही टूट चुकी है। तो आप भी जब इस यूपीएससी एग्जाम में उतरोगे, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, बहुत दबाव आएगा, हर बार तुम्हें जीत नहीं मिलेगी। गुरुकुल के लिए इनवाइट करने आया हूं अंतिम 8 बच्चों को,
आप लोगों का प्यार मिला, आप लोगों का जो है परिवार हमारे साथ जुड़ा, सारी सीटें लगभग भर गई हैं। आज अंतिम 8 बच्चों की काउंसलिंग के लिए मैं इनविटेशन देने आया हूं कि कल मैं लास्ट काउंसलिंग करके बैच बंद करने जा रहा हूं। लेकिन जब यहां भी आओगे तो ये मेरा मैसेज है मेरे सभी बच्चों को जो गुरुकुल में एडमिशन ले चुके हैं या लेने वाले हैं। अभी मैं लगातार मेरी मीटिंग चल रही है टीचर से, मेंटर से, मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, एकदम दीवानगी तक पहुंच गया हूं। शक्ल भी दिखाई पड़ रही होगी कैसा हो गया, कुछ और सूझ ही नहीं रहा मुझे। तो यहां तुम्हारी जिंदगी को हम बहुत कठिन बनाने वाले हैं। हमारा बस इतना है कि खाली तुम्हें सोने के लिए समय देंगे, हाथ पैर जब तक तुम्हारे कांप ना जाए तब तक पढ़ाएंगे तुम्हें। तो जब इस तरह से आओगे तो ये मेरा मैसेज है, ये मेरा गुरुकुल के बच्चों के लिए मैसेज है। तो कई बार तुम जब आंसर लिख रहे होगे, टेस्ट दे रहे होगे, हार का सामना करना पड़ेगा। मेरा मैसेज है ये, मैं क्लास को मान के चल रहा हूं क्योंकि अब आज ये अंतिम हमारा जो दिन है, अंतिम 8 बच्चों के लिए जो है वो एडमिशन के लिए गुरुकुल में। मोस्ट प्रॉब्ली हम कल जो है इसका एडमिशन बंद कर देंगे। तो 8 अंतिम बच्चों का कल मैं काउंसलिंग करके एडमिशन क्लोज कर देंगे क्योंकि हमारी सीटें फुल हो चुकी हैं इसकी, क्योंकि बहुत सी चीजों का इंतजाम करना, उनके लिए यूनिफॉर्म, बैग्स, बुक्स, घर पे पढ़ने का कंटेंट अलग, क्लास का कंटेंट अलग, उनके लिए योगा, और टीचर्स भी हायर हो चुके हैं उनके जो उनको योगा और ये सब सारी चीजें सिखाएंगे, मेडिटेशन की क्लासेस होंगी। तो ये बड़ा तामझाम वाला सिस्टम है, ठीक है, ये पर्सनालिटी को बनाने का सिस्टम है। लगातार करिकुलम पे करिकुलम चला जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तमाम तरह की चीजें आती चली जा रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब तुम यहां आओगे तो तुम्हें दबाव का सामना करना पड़ेगा। अब किसी दिन तुम टेस्ट दोगे, तुम्हारे फेल हो गए, फिर दिया, फिर फेल हो गए, नहीं अच्छे मार्क्स आए, तो तुम्हारा मन टूटना नहीं चाहिए क्योंकि ये होगा। अरे मेरे से लिखा नहीं जा रहा सर, मैं क्योंकि यहां पर है संडे को टेस्ट दोगे और जो टेस्ट के टॉप 5 होंगे वो डेफ के लिए जाएंगे, इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए जाएंगे, रिकॉर्डिंग कराएंगे अपनी, बड़ी बहुत ढेर सारी चीजों का इंतजाम है। लेकिन मैं टॉप 5 में क्यों नहीं आ पा रहा हूं, लड़ाई होगी अंदर से। तो यही बात है कि हार होगी, सारे बच्चे टॉप नहीं कर सकते, टॉप सिर्फ एक आदमी आ सकता है। उस हार के कारण क्या है, उस हार की वजह क्या है, अपने मेंटर से आपको बात करनी है। लेकिन हार मान नहीं लेना, सर मेरे से नहीं हो पाएगा, नहीं मुझे करना होगा, यही बात तो तुम्हें वहां बतानी है, मुझे करना होगा, ये मेरा है। तो ये जो चीज है ये गुरुकुल की सबसे खास बात, क्योंकि इतना हम दबाव देंगे कि आपको वाकई में बहुत परेशानी शुरू हो जाएगी। कई बार आपके मन में कौतूहल होगा, काउंसलिंग भी हम करेंगे, साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होंगे आपके, लेकिन उस दबाव से निकलने के लिए आपको अभी से तैयारी करके आनी होगी। आपको पता है कि 25 मई के बाद हम आपको इनवाइट कर रहे हैं यहां पे, बैच शुरू होने वाला है 1 जून से, 4 से 5 दिन आपका ओरिएंटेशन सेशन चलेगा, कंफर्ट जोन में आप आओगे, कैसे एडजस्ट होना है ये सारी चीजें आप शुरू कर दोगे। लेकिन ध्यान रहना, बहुत दबाव से गुजरना पड़ेगा, इसीलिए आज मैंने ये बात कही है कि मन को टूटने मत देना। हो सकता है तुम क्लास में सबसे पीछे आओ, हो सकता है तुम्हारा आंसर सबसे खराब हो, लेकिन उसको स्वीकार मत करना। वो जब 0 नंबर मिले, खराब नंबर मिले, माइनस मिले, उसको ज्यादा संभाल के रखना, एकदम ट्रॉफी की तरह संभाल के रखना। क्यों संभाल के रखना, क्योंकि इसी से मुझे अपनी ग्रोथ तय करनी है, इस सबसे निचले स्तर से मुझे अपनी यात्रा सबसे आगे लेकर जानी है। तो यही मैं बात कहना चाहता हूं, ये काउंसलिंग का सेशन है ये हमारा, कि मन को टूटने मत देना चाहे कुछ भी हो जाए। हार उस दिन की होती है, अगले दिन फिर उसको झाड़ो और फिर बोलो अब मैं लड़ने जा रहा हूं। हार मन तक नहीं जानी चाहिए, और अगर मन तक पहुंचने लगे तो आप हमें बताएंगे, जितने भी गुरुकुल के स्टूडेंट हमें बताएंगे, सर हार मन तक पहुंच रही है, मन व्याकुल हो रहा है, कह रहा है नहीं लड़ पाओगे, नहीं अच्छे आंसर आ रहे। तो तुम्हें बताऊंगा कि कई बार ऐसा होता है कि हम चोट करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते, हमें लगता है कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन हमारी एनर्जी कहीं स्टोर हो रही होती है और अचानक से एक दिन सब कुछ बदल जाता है और वो चीज जो हम पाना चाहते हैं वो हमें मिल जाती है। तो हमें धैर्य रखना पड़ता है, अपने प्रयास को करते रहना पड़ता है, करते रहना पड़ता है,
और एक दिन जब वो सारी एनर्जी क्यूमुलेट होती है तो तुम्हें तुम्हारा रिजल्ट मिल जाता है। यही कहानी हमारी, यही हमारा महत्व है। तो मैं इनवाइट कर रहा हूं आप सभी को गुरुकुल बैच में, और आपसे कहूंगा कि बहुत सी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, धैर्य सीखना पड़ेगा, व्यक्तित्व में परिवर्तन लाना पड़ेगा, व्यक्तित्व विकास करना पड़ेगा। क्योंकि मैं जिस तरह से दबाव क्रिएट करना चाहता हूं उसमें आपको उलझन होगी, लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि दबाव में आप बिखर जाना चाहते हो या निखर जाना चाहते हो। दबाव तो मैं दूंगा, तो दबाव में तुम टूटकर बिखर जाना चाहते हो या परिवर्तित होकर निखर जाना चाहते हो, हीरे में बदल जाना चाहते हो, यह तुम्हें सोचना पड़ेगा, यह तुम्हारी कॉल है। तो क्यों ना हम आगे बढ़े और क्यों ना हम इस चीज को समझें। तो बहुत खूबसूरत सफर होने वाला है। थैंक यू आप सभी का कि आप इस परिवार का हिस्सा बने, आपने विश्वास किया टीचिंग और मेंटरशिप के इस अद्भुत संगम में। और अंतिम 8 स्टूडेंट को मैं इनवाइट कर रहा हूं गुरुकुल के लिए, और मोस्ट प्रोबेबली कल हम एडमिशन भी इसका क्लोज कर देंगे। तो स्वागत है आप सभी का। अगर आप इस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप सभी आमंत्रित हैं, क्योंकि हर स्टूडेंट के पीछे एक हॉस्टल का भी फैसिलिटी और ये तमाम तरह की चीजें। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जुड़ें, आप लोग करें और आगे बढ़ें, डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं है। थैंक यू सो मच आप सभी का, और स्वागत करता हूं इस अंतिम 8 स्टूडेंट को। मैं जानना चाहता हूं वो कौन जो है वो छात्र, लेकिन याद रखिएगा कि मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल मजबूती बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कल मेरा सेशन होगा, जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, और फिर हम अपनी स्पीड के साथ आगे बढ़ जाएंगे, और जो छूट गए हैं उनके लिए फिर हम आगे कुछ सोचेंगे। फिलहाल अभी हम अपने इस गुरुकुल बैच में आमंत्रित करते हैं, तो जो लोग आराम से बैठे हैं वो भी इसको सुन लें, समझ लें, और अंतिम जो 8 स्टूडेंट हैं उनको मैं इनवाइट कर रहा हूं, और उम्मीद करता हूं कि ये सफर हमारा साल भर का बहुत खूबसूरत होगा। यकीन मानिए मैं तकलीफ तो दूंगा, लेकिन ये तकलीफ आपको बनाने के लिए होगी, क्योंकि कुम्हार जब थपथपाता है, वो चोट जब देता है, तो उसका मकसद तुम्हें एक आकार देना होता है। तो मैं चोट तो दूंगा, इसमें कोई शक नहीं है, तुम इसे बर्दाश्त कर लेना, तुम ये समझ लेना कि हाँ ये मुझे बनाने के लिए डांट रहे हैं। उसको इमोशनल होकर मत समझना, अपने ईक्यू को बढ़ाना, अपने इमोशनल क्वेश्चन को बढ़ाना, ये बात ध्यान रखना। तो अगर एक साल तकलीफें सहने के लिए तैयार हैं, आमंत्रित हैं आप सभी, आपकी क्लासेस तैयार हो चुकी हैं, हॉस्टल लगभग तैयार हो चुके हैं, हम तैयार हो चुके हैं, मेंटर्स तैयार हो चुके हैं, लंबी लंबी मीटिंगों से गुजर रहे हैं, एक एक चीज पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, टेस्ट तैयार हो रहे हैं आपके, आपकी डायरियां तैयार हो रही हैं, कंटेंट तैयार हो रहा है, टी शर्ट तैयार हो रहे हैं, बैग्स तैयार हो रहे हैं, हम तो पूरी तैयारी के साथ हैं। स्वागत करता हूं आप सभी का, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और एक छोटे से आमंत्रण के लिए आया हूं। तो जो बच्चे अब जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ जाए मेरे साथ, और दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, 8750711100 या 22 या 33 या 44 या 55, इसमें से किसी भी नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं, या दिए गए फॉर्म को आप भर सकते हैं, राइट दोस्तों। और सभी के पास हमारा व्हाट्सएप नंबर भी होना चाहिए ऑफिशियल, कि आप जो है वो ऑफिशियल नंबर के साथ जुड़े, 9319695945 आप मैसेज कर सकते हैं, इस ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। और ऑप्शनल के अदर टीचर के साथ जुड़ना चाहते हैं तो अपने टीचर से बात करिए, आप दिए गए नंबर पे बोल दीजिए कि मुझे अंकुर सर से बात करनी है, पीवी सर से, या मुझे जो है सुमित सर से बात करनी है, ताकि मैं अच्छा कर सकूं। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और परिवार में आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग बच गए हैं वो सभी आ सकते हैं। राइट, तो कल अंतिम 8 स्टूडेंट की मेरे साथ काउंसलिंग होगी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। तो आप जब कॉल करेंगे तो आपको टाइमिंग बता दी जाएगी, हमारी तरफ से आपको वीडियो लिंक दे दिया जाएगा गूगल का, और वहां पर मेरा आपका एक सेशन शुरू होगा, मेरे कुछ प्रश्न होंगे आपसे, और अगर आप सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे पाते हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का, थैंक यू।